किरे आप देख रहे हैं सीधे सुपर टेक ट्विन टावर की तस्वीरें। ढाई बजने वाला है और ढाई बजे का समय निर्धारित किया गया था इन ट्विन टावर्स को गिराने का, इन्हें ब्लास्ट करके डिमोलिश करने का, और ढाई बस कुछ ही सेकंड में बजने वाला है। और ऐसे में सभी तैयारियां कर ली गई हैं, मॉक ड्रिल बकायदा की गई है और हर चीज पुख्ता करने के बाद ये फैसला लिया गया। ढाई बजे अब कुछ ही देर में भ्रष्टाचार की ये बुनियाद धराशायी हो जाएगी। ट्विन टावर ढहाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस कुछ ही पलों का इंतजार, कुछ ही सेकंड्स का इंतजार, काउंटडाउन भी लगभग अब खत्म हो चुका है। और गिराया जा रहा है यहां पर सुपर टेक ट्विन टावर को, तो हर कोई टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ है। और हालांकि लोग जो यहां पर पहुंच रहे थे उनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जो एरिया है पूरा उसे बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। यहां पर किसी तरीके की कोई एंट्री किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। धारा 144 इलाके में लगाई गई है ताकि कोई यहां पर पहुंच ना सके। तो ऐसे में अब इंतजार उस पल का है जब बटन दबाया जाएगा विस्फोटकों का, जो कि इस ट्विन टावर में लगाए गए हैं, जिसके चलते ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा। थोड़ी देर में ढहाया जाएगा नोएडा में बना सुपरटेक का ये ट्विन टावर सेक्टर 93A में। तो भ्रष्टाचार का टावर इसे इसीलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि जब सुपरटेक ने इस सोसाइटी का प्लान बनाया था तो जिस जगह पे ये दो टावर हैं उस जगह को ग्रीन जोन दिखाया गया था, जो वहां के रिहायशी सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं। और यही वजह है कि देखिए ब्लास्ट कर दिया गया है और ब्लास्ट करते ही कुछ ही पलों में ये पूरा का पूरा टावर नीचे आ चुका है। धुएं का विवार इसमें देखा जा रहा है, इसी बात का अंदेशा था और इसीलिए यहां पर से लोगों को हटा दिया गया था, क्योंकि धुएं का काफी जो मलबा है वो पार्टिकल्स हैं वो हवा में इस दौरान काफी समय तक रहेंगे और इस दौरान वो काफी ज्यादा संख्या में हैं। और प्रदूषण को लेकर भी यहां पर उपकरण लगाए गए हैं उसको मापने के लिए। देखिए किस तरीके से कुछ ही पलों में ये पूरा का पूरा सुपरटेक ट्विन टावर धराशायी हो गया है। तैयारी इसकी काफी समय से चल रही थी, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था कि किस तरीके से बगैर कोई नुकसान पहुंचाए हुए इस टावर को गिराना है। और कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड्स में ये पूरा का पूरा टावर धराशायी हो गया है। और इसी पल के साथ आप देखिए धुएं का गुबार आसपास के इस पूरे इलाके में फैल गया है। कहा यह जा रहा है कि 2 किलोमीटर तक इस धुएं के गुबार को देखा जाएगा नोएडा में कुछ दिनों तक। इसके चलते जो प्रदूषण का लेवल है वो भी बढ़ेगा। देखिए भ्रष्टाचार की ये इमारत अब धराशायी हो चुकी है, अब बीते कल की बात हो चुकी है। ट्विन टावर सुपरटेक की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि अब धराशायी हो चुका है। जिस घड़ी का इंतजार काफी समय से यहां पर किया जा रहा था वो घड़ी अब आ चुकी है। सुपरटेक का ये ट्विन टावर गिरा दिया गया है। ये देखिए एक बार फिर से जब ब्लास्ट किया गया ढाई बजे, तो किस तरीके से जैसा सोचा था यहां पर उसी तरीके का यहां पर जो दृश्य है वो नजर आया है। और आसपास की जो सोसाइटीज है इसीलिए खाली करवा दिया गया था, क्योंकि जो मलबा है, जो धुएं का गुबार इस विस्फोट के बाद उठा है, वो आसपास की जो सोसाइटीज हैं उनमें सीधा जाता, और इसीलिए कवर करके भी रखा गया है कुछ सोसाइटीज को। आप देखिए जो बिल्कुल करीब है, 9 मीटर की यहां पर महज दूरी थी, यहां पर भी नियमों का उल्लंघन किया गया था। और इसीलिए कुछ सोसाइटीज के जो टावर हैं, कुछ टावर्स को आप कवर्ड भी देख पा रहे हैं ताकि नुकसान उनमें किसी तरीके का ना पहुंचे। और इस तरीके से बता दें कि जब
सुपरटेक के इन ट्विन टावर्स को गिराने का प्लान चल रहा था, प्लान तैयार हो रहा था, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था, तो किस तरीके से ड्रिल करके दोनों ही टावर्स में विस्फोटक लगाए गए और उसमें भी बकायदा कवर करके रखा गया ताकि जो पार्टिकल्स हैं अंदर से वो बाहर की तरफ को छटक कर ना जाए, किसी तरीके का नुकसान वो आसपास जो मौजूद बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, उसमें ना पहुंच सके, इस बात का खास ख्याल रखा क्योंकि रिहायशी इलाका है और इसीलिए एहतियाती तौर पर सभी जो रेजिडेंस हैं उनको हटाया गया है यहाँ से, ये बोलकर कि उनके लिए खतरा यहाँ पर हो सकता है क्योंकि काफी मात्रा में पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जैसे ही बिल्डिंग ये धराशायी हुई है, ये दोनों टावर धराशायी हुए हैं, धुएं का एक बहुत बड़ा गुबार पूरे इलाके को ढक लेता है। 3,700 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल इस पूरे टावर को गिराने में हुआ है और कुछ ही पलों का इसमें वक्त लगा, कुछ ही सेकेंड, 9 सेकेंड्स का मात्र कहा जा रहा है कि वक्त इस पूरी बिल्डिंग को धराशायी करने में लगा है। तो जिस टेक्निक का इस्तेमाल यहां पर किया गया था इस बिल्डिंग को गिराने के लिए, उसी टेक्निक के तहत आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये बिल्डिंग धराशायी हुई है और धुएं का गुबार उसके बाद इस पूरे इलाके में अब देखा जा रहा है। और यही वजह है कि अब ट्रैफिक को भी यहां पर फिलहाल रोका गया है और जब तक कि ये जो धुएं का गुबार है वो सेटल नहीं हो जाता, हर चीज सुनिश्चित नहीं कर ली जाती कि सेफ है अब इस इलाके में आना, तब तक आवाजाही बंद ही रहेगी। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। जो कहा जा रहा है कि लगभग एक घंटे का, आधे से एक घंटे का वक्त यहाँ पर थोड़ा इस धुएं के गुबार को सेटल होने में लगेगा, थोड़ा कम होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आवाजाही जो है फिर चाहे वो हाईवे के एक्सप्रेस वे की हो और जो रूट्स बंद किए गए हैं उसके बाद चालू किया जाएगा। 15 मिनट पहले बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से और हर तरीके की तैयारी यहां पर प्रशासन की तरफ से की गई थी। मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी यहां पर ध्यान रखा गया था कि अगर किसी तरीके की खुदा न करे अनहोनी हुई तो उस स्थिति से भी निपटने की व्यवस्था की गई थी। फिलहाल ये तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को किस तरीके से गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2021 अगस्त में आया था कि भ्रष्टाचार की इस इमारत को डिमोलिश किया जाए, हालांकि आदेश में जो तारीख उस दौरान दी गई थी वो डीले हुई क्योंकि सुनिश्चित इसी बात को किया जा रहा था कि जब डिमोलिश किया जाए तो किसी तरीके का नुकसान आसपास रह रहे लोगों को ना हो, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक पूरी प्लानिंग के तहत एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। बाहर से कंपनी यहां पर बुलाई गई जो कि इस चीज में माहिर है, कई इस तरीके के डिमोलिशंस वो कर चुकी है और उसी की देखरेख में आज इस ट्विन टावर को गिराया गया है। तो सुपर टेक का ये ट्विन टावर फाइनली अब गिरा दिया गया है। सुबह 7 बजे से ही जो पूरा इलाका है, जो इस टावर के आसपास की जो रेजिडेंसीज हैं उनको खाली करवा लिया गया था, उन लोगों को ये हिदायत दी गई थी कि उनके लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए वो अपने घरों को फिलहाल छोड़ के किसी सुरक्षित स्थान पे जाए व्यवस्था यहां पर की गई थी। दूसरी सोसाइटीज में, क्लब हाउस में कुछ जो लोग थे यहां पर वो अपने रिश्तेदारों के वहां पर चले गए थे, कुछ होटल्स में यहां पर रह रहे हैं और इंतजार अब इस धुएं के गुबार के, इस धूल के गुबार के छटने का होगा जब वो फैमिलीज वापस से अपने घर लौट पाएंगी। तो ट्विन टावर नोएडा का ये फिलहाल गिरा दिया गया है, कुछ ही पलों में आप देख पा रहे होंगे धराशायी ये हो गया है और जिस तरीके की उम्मीद वहां पर की जा रही थी उसी तरीके से तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि जो बिल्डिंग है वो नीचे आई है, गिरी है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आसपास का जो इलाका है वहां पर धूल धुआं आप देख पा रहे होंगे।